Ahmed moved that the bill further to amend the International Islamic University Ordinance 1985, the International Islamic University Amendment Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. थोड़ी सी बात कर लूँ मिस्टर चेयरमैन इस पे पहले पूछूँ कोई अपोज अगर कर रहे हैं Is it opposed? Honorable Minister for Parliamentary Affairs, please. सर ये जो HEC सेनेट की जो मुजवजा करारदाद को तमाम जामियात को भिजवाएगा ताकि जामियात अपनी स्टेचुटरी बॉडी से इन गुजारशात पर गौर व फिक्र करें और उनके मुताबिक MPhil PhD इस्लामी तालीमात प्रोग्राम में इन सिफारशात के मुताबिक तरामीम करें नहीं नहीं सर मैं ऑर्डर नंबर 16 की बात कर 16 की प्लीज ऑर्डर नंबर 16 ये बिल है जी इस्लामिक इंटरनेशनल ऑर्डिनेंस 1985 द इस्लामिक इंटरनेशनल अमेंडमेंट बिल इसको कमेटी भेज दें नहीं ये तो कमेटी से ओक रहा है ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी मुश्ताक साहब थोड़ा सा बता दें जी फिर से मुश्ताक साहब लंबी नहीं प्लीज नहीं मिस्टर चेयरमैन ये मैं मिनिस्टर साहब को बताता हूं बेसिकली यूनिवर्सिटीज के जो पॉलिसी साज इदारे फैसला साज इदारे होते हैं सिंडिकेट और सेनेट इसमें टीचर्स की नुमाइंदगी होती है और HEC ने जो मॉडल ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटीज का बनाया है उसमें भी सिंडिकेट और सेनेट में टीचर्स की नुमाइंदगी रखी गई है लेकिन इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जहां सिंडिकेट और सेनेट और एकेडमिक काउंसिल में टीचर्स की नुमाइंदगी नहीं थी इसलिए मैं ये बिल इंट्रोड्यूस कर लिया ये यूनानिमसली पास हुआ है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की कमेटी से HEC ने इसकी तायीद की है कि इसलिए कि ऑलरेडी उन्होंने जो मॉडल ऑर्डिनेंस तजवीज किया है ये उसके मुताबिक है मिस्टर चेयरमैन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तीन इदारे हैं एक उनका है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में सदर मुमलिकत हैं चीफ जस्टिस हैं वहां भी नुमाइंदगी नहीं थी इन लोगों ने खुद फैसला करके चार टीचर्स को उसमें नुमाइंदगी उनको दे दी अब एकेडमिक काउंसिल रह गया है और उसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है तो बोर्ड ऑफ गवर्नर और एकेडमिक काउंसिल में नुमाइंदगी के लिए मैं ये अमेंडमेंट बिल लाया हूं जिसकी हुकूमत ने और HEC ने तायीद की है और HEC की जो मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट है ये उसके मुताबिक है इसलिए इसके नतीजे में एकेडमिक काउंसिल में और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में टीचर्स की नुमाइंदगी हो जाएगी बस यही बिल है हाँ जी कोई और तो नहीं इस पे बात करें क्यों कमेटी से है इट हैज बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 1985 द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 एज रिपोर्टेड बाय द स्टैंडिंग कमेटी बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एट वंस दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए दोज अगेंस्ट द मोशन में से नो आई थिंक द आईज़ विद द आईज़ द मोशन इज अडॉप्टेड सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल क्लॉजेस 2-3 We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3, there is no amendment in clauses 2 and 3. So I put these clauses before the House as one question. The question is that clauses 2 and 3 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clauses 2 and 3 stand part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 1, the preamble and the title stand part of the bill.